सब्सक्राइब कीजिए दादा भाई टेक चैनल पर, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम दादा भाई टेक चैनल पर, टेक के बाद एक एपिसोड ब्लैक शार्क की तरफ से। ब्लैक शार्क 23 मार्च को चाइना में लॉन्च होने वाला है। इसकी ऐसा ऑफिशियल न्यूज जारी, गेम सेंटर वाला फोन ऐसा भी ऑफिशियल न्यूज जारी, जिसमें आपको 1.0 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है। प्रोसेसर लगाएंगे वो स्नैपड्रैगन का 880 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। जो गेमिंग सेट फोन जो पूरा गेमिंग के लिए डिजाइन किया जाएगा, इसलिए टेंस के साथ पूरा कंप्लीट करके गेमिंग के लिए डिजाइन किया जाएगा ब्लैक शार्क 4 जो शॉमी की तरफ से देखने को मिल सकता है। नोकिया की तरफ से नोकिया के जो दो फोन लॉन्च होने वाले X10 और X20, ये दोनों फोन 5G वेरिएंट वाले फोन रहेंगे। X10 में आपको 480 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो 5G वेरिएंट और जो X20 में आपको 690 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। दोनों फोन 5G वेरिएंट वाले फोन रहेंगे। 8 मार्च को लॉन्च हो जाएंगे, 8 अप्रैल को मतलब लॉन्च हो जाएंगे, ऐसे कुछ ऑफिशियली न्यूज आ रही है। बेहतरीन फोन रहेंगे जो उन्होंने तरफ से देखने को मिल सकता है, ऐसे कुछ ऑफिशियली न्यूज आ रही है। तीसरी टेक्नो जारी हुआ हॉनर की तरफ से। हॉनर का भी एक हॉनर की तरफ से भी नया फोन देखने को मिल सकता है, जो स्नैपड्रैगन ट्रिपल एट वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। फ्लैशी वाला फोन है जो जुलाई में देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ ऑफिशियली न्यूज जारी। देखते क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगे, मगर ऐसा कुछ ऑफिशियली न्यूज होगी जिसमें आपको स्नैपड्रैगन ट्रिपल एट वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है हॉनर की तरफ से। जो हॉनर हुआ की तरफ से मतलब हुआ का जो पार्टनर मतलब पेरेंट कंपनी थी, मगर उसको भी मतलब बेच दिया गया और वो हुआ अलग मतलब ब्रांड कंपनी बन गई है मतलब हॉनर। वो देखते भी क्या का नया फीचर देखने को मिल सकती है हॉनर की तरफ से, जो स्नैपड्रैगन 8 ट्रिपल प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। जारी पोको तरफ से पोको X3 जो फोन जो लॉन्च होने वाला है, ऐसा कुछ ग्लोबली जो लॉन्च होगा 22 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, ऐसा कुछ ऑफिशियली न्यूज जारी। पोको की तरफ से पोको X3 जो फोन उसका कुछ प्राइस लीक हुआ है, जो यूरोपियन प्राइस में देखे तो 216 है जो डॉलर है, उस प्राइस को इंडियन प्राइस में कन्वर्ट किया जाए तो 20,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। जो 6GB प्लस वाला 120 वाला वेरियंट जो इमेज जो उसकी जो इमेज मतलब इमेज जो लीक हुई थी, मगर जो पोको X3 जो था उसके समान प्रोडक्ट सेम दिखता है। सर कहा जा रहा है कि इसमें आपको बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और 48 MP कैमरा देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुई, मगर कन्फर्म न्यूज नहीं, ऐसा कुछ रूमर निकल रहे हैं। देखते हैं ऑफिशियली न्यूज जल्दी देखने को मिल सकती है आपको, जल्दी नहीं बहुत दूर नहीं, बस 22 तारीख के फोन लॉन्च हो जाएगा। मुझे iQoo की तरफ से iQoo न्यू फाइन जो फोन है उसे कुछ इमेजेस लिखो, जो बहुत सारे कलर वेरियंट इमेजेस लिखी हुई, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें 48 MP कैमरा देखने को मिल सकता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। iQoo न्यू फाइन जो चाइना में लॉन्च होने वाला है, ये बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, ऐसे कुछ ऑफिशियल न्यूज आ चुके हैं। ये मतलब आई इंडिया में मतलब चाइना में लॉन्च हो जाएंगे, उसका देखने देखने को मिल सकता है। जारी बार Mi11L की तरफ से, Mi11L जो फोन है उसमें आपको 732 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, ऐसे कुछ ऑफिशियल न्यूज जारी Mi11L की तरफ से। 5G वाला फोन नहीं रहेगा, मगर एक लाइट वर्जन रहेगा जिसमें आपको मीडिया डेक एक लाइट वर्जन से देखने को मिल सकता है, उसको ऑफिशियली नहीं हो चुकी है और बहुत सारे इसका हिट निकल चुके हैं, जल्दी ही देखने को मिल सकता है। सब्सक्राइब करना।